भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं नींबू पर क्यों वीडियो नहीं बनाता, और मेरी अधिकतर वीडियो अमरूद पर थी। तो मैंने कहा था कि मैं रविवार को वीडियो बनाऊंगा, और कल शाम से बारिश हो रही है और मैं ये इंतजार कर रहा था कि कब बारिश रुके और कब मैं इस पर वीडियो बनाऊं। इस समय शाम के लगभग 4:30 बजे हैं और मैं अपने खेत पर हूँ, और आज मैंने ये निश्चय किया है कि ये मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अब मैं जो वीडियो बनाता हूँ उस पर पहले एक छोटा लेख लिख देता हूँ, और उस लेख को मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जो अमेजिंग किसान डेस्क पर है उस पर लिखा जाए। और इस लेख के बारे में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे ग्रुप के नींबू के एक्सपर्ट हैं नावेद जी। नावेद शेख ने मुझे इसमें बहुत सहायता की है और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। शब्द मेरे हैं, रचना मेरी है, लेकिन इसमें जो भाव है या जो एक्सपर्टाइज है वो नावेद जी की। धन्यवाद। किसान भाइयों, आज मैं आपको 6 बिंदुओं पर नींबू की देखभाल के बारे में बात करूंगा। आज का टॉपिक है नींबू की देखभाल, और वो पर्टिकुलरली बरसात के मौसम, और उसके बाद एक हम सेक्शन ऐड कर रहे हैं आज जिसका नाम है चलते चलते, जिसमें हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिससे आप खुद बचत कर सकें, लगभग 75% बचत करेंगे, और आज के उसमें बिंदु हैं 3। तो चलिए हम पहला पॉइंट लेते हैं कि पौधों की खरीदते समय क्या। किसान भाइयों, मैं आपको पौधों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो मेरा पौधा है ये मुझे थाई लेमन कहकर दिया गया था, ये मैं मलिहाबाद से लाया था, 15 रुपए का एक, बस इतना इतना पौधा था ये, जितनी ये डंडी है और ये है इतनी इतना छोटा सा पौधा था ये। और मैंने जब फरवरी में अपनी सरसों की कटिंग की थी तब भी आप लोगों को दिखाया था, और अब देखिए ये कितना बड़ा हो गया। लेमन के पौधे अक्सर कर गुट्टी से तैयार किए जाते, अक्सर कर क्या, अधिकतर गुट्टी से तैयार होते, और गुट्टी यहाँ पर बांधते हैं इसलिए ये जल्दी फल देने लगते। दूसरा है ये नींबू का पौधा, ये देखिए ये नींबू है जो मुझे 12 मासी कर दिया था, और ये कलकत्ता से आया था, उसने मंगा कर दिया था, 50 रुपए प्रति पेड़ दिया था, और ये 1 साल का पेड़ हो गया। क्योंकि मैंने शुरू में ऑर्गेनिक खेती करनी चाही थी, ये नहीं हुआ, और जो सरसों लगाई थी उसने इसको बहुत तोड़ दिया। तो ये देखिए नींबू का पौधा है। नींबू का पौधा जब भी आप लें ये ध्यान रखें कि नींबू का पौधा हमेशा बीज से उगाया हुआ। अगर नींबू का पौधा बीज से उगाया हुआ होगा तो जिस बीज का आप पौधा लगा रहे हैं वही नींबू उस पर आए। ये नींबू के बारे में बहुत खासियत बात है। तो कोशिश करें आपकी बीज से बना हुआ नींबू का पौधा लें। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना, नींबू से जो पौध आपको मिलेगी बनाई हुई उस पर 4 साल बाद नींबू लगने से, और आपको 4 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। नींबू का पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत जल्दी नहीं बढ़ता। आप देखिए ये पौधा 1 साल का है, लगभग 13 महीने का पौधा है, और ये देखिए जब मैं लाया ये पौधा बड़ा था और ये छोटा था, और ये लेमन का है, मैं कटिंग करता रहता हूँ, आप देखिए इसमें लेमन की कितनी ग्रोथ होती है। तो ये सावधानी आप रखें जब भी लें नींबू का। लेमन गुट्टी से तैयार होता है, नींबू बीज से तैयार होता है। आप इसमें देखिए, इधर दिखा यहाँ, आप इस पौधे में देखिए, ये देखिए इसमें कितने कांटे, मैं इसमें हाथ नहीं डाल सकता, ये देखिए कितने कांटे हैं इसमें, और इन कांटों की वजह से नींबू पर गुट्टी नहीं बांध सकते, वो सक्सेसफुल नहीं होती। तो इस चीज का ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट, पौधों में साफ सफाई कैसे रखें। किसान भाइयों, जब से बारिश शुरू हुई है मेरी वेस्टर्न यूपी में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में बारिश रोज हो रही है, मुझे खेत की निराई गुड़ाई का भी टाइम नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि ये देखिए ये जो एरिया आप देखेंगे इसमें कितनी बड़ी बड़ी घास है, लेकिन आप ध्यान से देखें तो मैंने इसकी गुड़ाई कराई हुई है, इसमें ट्रैक्टर चलवाया था छोटा जिसने टीलर से गुड़ाई की थी, और उसके 2 दिन बाद फिर बारिश हो गई, फिर घास। अब हम इस समस्या का समाधान किस प्रकार करें, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहां से अब दिखाओ, ये पौधा देखिए आप और ये पौधा देखिए। मैंने 2 चीजें ध्यान रखना कि पौधे के आसपास भरपूर सफाई की,
तो आपको पौधे के चारों तरफ कम से कम 1.5 फीट तक बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। तो आप देखेंगे इस लाइन में कि पौधों के पास में कोई घास नहीं, मैं कोई ग्लाइसीफेट या किसी चीज का प्रयोग नहीं करता, निराई गुड़ाई कराता हूं। तो आप इस पौधे को देखिए, इसके चारों तरफ बिल्कुल साफ है। इस लाइन में देखिए पूरी में कि बिल्कुल साफ सफाई है, और आपको इसको पौधे के चारों तरफ बिल्कुल साफ रखना है। अगर साफ रखेंगे तो पौधे में बीमारियों का प्रकोप कम। इसी प्रकार आप ये देखिए, ये जो मैं लेमन के पे बीच में खड़ा हूं, आप ये देखिए इसके चारों तरफ मैंने बिल्कुल सफाई की। अभी क्या किया था मैंने, 5-6 दिन पहले प्रत्येक पौधे में, ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग से दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक जीरा है ना, ये दिखाई, ये थोड़ा सा अलग से दिखाई दे रहा होगा। तो इस पौधे से करीब 6 इंच दूर मैंने यहां पर 100 ग्राम DAP और 50 ग्राम पोटास डलवाया इस पे, और इसका असर अब 10 दिन बाद आप देखना इस पौधे पर कितना असर आता है इसका। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि आप पौधे के चारों तरफ इसकी साफ सफाई रखें। दूसरा काम क्या करें, इस पौधे पर आप देखिए कि ये नीचे से करीब 1.5-2 फीट तक मैंने इसमें कोई भी शाखा नहीं छोड़ता, जैसे ये एक सूट है इसको भी तोड़ देता हूं, तो यहां तक मैंने कोई भी शाखा नहीं छोड़ी है। कारण यह है कि इस पर आप बोर्डो पेस्ट लगा सकते हैं, और बोर्डो पेस्ट साल में 2 बार लगाइए, पहला लगाइए जून के अंत में या जुलाई के शुरू में, और दूसरा लगाइए अक्टूबर के मध्य में। ये आपको नीचे से फफूंदी से बचाएगा, नीचे से कोई भी रोग आएगा तो उससे बचत करेगा। तो ये बोर्डो पेस्ट लगाने के लिए करिए। दूसरा क्या करेगा कि कोई भी शाखा जो नीचे जमीन से टच नहीं होती, ये जमीन पे नहीं आएगी, जितनी शाखा है अगर जमीन की तरफ आती है तो उनको काट दीजिए। मैंने थोड़ा सा इसको कैनोपी देने का किया है कि चूंकि 1 साल का पौधा है, अभी पता नहीं, इसमें देखेंगे अक्टूबर में जो नावेद भाई ने बताया उस फार्मूले से इस पर पौधे फल आते हैं या नहीं आते। ये हुई साफ सफाई की बात। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, और नावेद भाई ने ये चीज जो है ना, जब जुलाई का महीना शुरू भी नहीं हुआ था, जून के अंत में बताई थी कि बरसात की साफ सफाई में किस प्रकार, उन्होंने कहा था जिन लोगों के पेड़ बड़े हैं, जैसे छोटा पेड़ है, मुझे पता है कि नीचे गीला है और इसमें नीचे कोई भी बीमारी नहीं है, मैं देखता चला। जब पेड़ बड़ा हो जाता है, जैसे ये पेड़ है बहुत बड़ा होगा, या ये वाला पेड़ है ये बड़ा हो जाएगा इतना बड़ा, तो जिनका छत्रक बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये नींबू का पेड़ बहुत फैलाव करता है बाद में, तो कई बार हम तो ये सोचते हैं कि बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, हमें पानी देने की जरूरत है, और ये सोचकर हम निश्चिंत हो जाते हैं, बस यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। अगर पेड़ का छत्रक बहुत घना है, यानी पेड़ बहुत घना है, तो उसकी जड़ों के पास नमी नहीं आती, यहाँ पर ये नहीं होगी, तो चारों तरफ नमी नहीं होगी, और यहाँ पे थोड़ा सूखा रह जाएगा, और जब सूखा रह जाएगा तो कमजोर आदमी पर हर आदमी अटैक करता है, तो क्या होता है, फफूंदी आएगी, आपकी व्हाइट ग्रब आएगी और दीमक भी। तो जिन लोगों के पेड़ 4 साल से बड़े हैं, उन्हें जुलाई के महीने में हर तीसरे दिन अपने बाग में ध्यान रखना चाहिए कि कहीं थोड़ा सूखा तो नहीं है पेड़ के नीचे, और वहां पर बोर्डो पेस्ट लगाएं, और अगर कुछ भी हलचल या कुछ भी बीमारी दिखाई देती है तो उसका तुरंत इलाज करें। नींबू के बारे में क्या क्या बीमारियां हैं, क्या चीज है, वो हम अगली वीडियो में अगले शनिवार को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें एक भी बात का ध्यान रखिए कि जो बीमारी हो उसी का प्रयोग करें, उसी का इलाज करें। जैसे आप देखें इस पत्ते पर, ये देखिए एक मकड़ी आई हुई है, ये देखिए एक मकड़ी है, ठीक है, और इस पे ये ध्यान से देखिए, ये एक आया हुआ है, ये लीफ माइनर है, ये एक इसमें सुरंग बना देता है, और मैंने इसका इलाज करवाया था, मैंने इस पे नींबू भी डलवाया, इमिडा का भी प्रयोग कराया, और अब नहीं है। लेकिन जो नई पत्ती निकलती है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पत्तियाँ, ये देखिए, ये इन पत्तियों पर देखिए, ये देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि ये लीफ माइनर है, ये इसमें। अब मैं चूंकि 2 दिन से बारिश हो रही है, मैं इसमें इमिडा का स्प्रे कराऊंगा। तो किसान भाइयों, ध्यान से बरसात में अपने पौधों की देखरेख करिए। 2 चीजों का प्रकोप बहुत होता है, एक इल्ली जो छोटे छोटे नए पत्ते निकलते हैं उनको खाती है,
और एक होती है इसमें नींबू की तितली, जो पहले काली होती है और उसके बाद में वो पत्ते खा खा कर हरी हो जाती है, फिर पहचानना। और दूसरा होता है ये लीफ माइन। इन दोनों की आपको ध्यानपूर्वक सुरक्षा करनी। अब आइए कटिंग की बात करते हैं, क्या नींबू की कटिंग करते हैं। देखिए नींबू की भी कटिंग नहीं करेंगे तो आप बेइंतहा पेड़ फैल जाएगा, चारों तरफ पेड़ फैलेगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए 12-13 फीट से ऊपर ना जाए शुरू में, पहले कम से कम 7-8 साल तक वो 12-13 फुट से ऊपर नहीं है, तो उसकी थोड़ी सी कैनोपी बनाने की कोशिश करिए। और एक ध्यान रखिए कि जैसे ही पेड़ बड़ा होता चले जाए कि उसकी शाखाएं जमीन से टच नहीं करनी चाहिए, और कम से कम जमीन से 1.5 से 2 मीटर तक, 1.5 मीटर तक तो वो जो है ना आपका आराम से उसमें कोई शाखा नहीं होनी चाहिए। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं ये पेड़ दिखा रहा हूँ, ये आप देखें कितना खूबसूरत पेड़ है, ये नावेद भाई का पेड़ है, और आप इसमें देखें कितनी अच्छी तरह उन्होंने छत्रक बनाया गया। तो आप भी इस प्रकार करिए। अगला बिंदु है, जो मेरा पांचवा बिंदु है, वो है फल लेने के लिए। देखिए उस पर जब फूल आते हैं, मैं आपको एक पेड़ दिखाता हूं जो मेरा पाकिस्तानी नींबू है, उस पर इस टाइम फूल आ रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। किसान भाइयों ये देखिए, इस पर गुच्छे में आ रहे हैं नींबू, देखिए ये पाकिस्तानी नींबू है जो मैं कुछ पेड़ लाया था, देखिए जो मैंने रोक दिए थे कुछ पेड़, देखते हैं खाद वगैरह देते हैं कितने नींबू आते हैं, और देखिए इस पर ये फूल भी आ रहा है, अब फूल भी आ रहा है, और इसके साथ साथ देखिए ये इस पे लीफ माइनर का प्रकोप भी है, तो इसलिए इसका इलाज करना भी जरूरी है। आइए मैं आपको फूलों से भरपूर पाकिस्तानी नींबू का। किसान भाइयों मेरे यहाँ नींबू की 3 वैरायटी, एक है 12 मासी नींबू जिसे हम बोलते हैं, जो कलकत्ता से मिलता है, और ये दूसरा है पाकिस्तानी नींबू। इसकी बस एक ही कमी है, वैसे 12 महीने फूल आते हैं लेकिन सर्दियों में बहुत आते हैं, और छोटा नींबू होता है, और एक ये लेमन है। आप देखिए इस पर कितने फूल आए हैं, मैंने एक दो पेड़ आपको दिखाया था उसमें फल भी आए, आप देखिए कितने फूल आए, ये देखिए देखिए कितने। लेकिन 1 किलो में इसके कम से कम 40-50 नींबू चढ़ते हैं, कम से कम 40-50, तो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा इसका 20-25 ग्राम का नींबू, इसका ज्यादा बड़ा नहीं होता, बाकी मैं देखूंगा। अब जब आपके पेड़ पर फल आने लगे, फूल आए, तब आपको क्या करना है। कुछ लोगों की बहुत शिकायत आती है, जी मेरे फूल आए थे सब झड़ गए, मेरे नींबू आए थे वो सब गिर गए। तो जैसे ही फूल शुरू होते हैं आपको पौधे में पानी देना बंद कर देना चाहिए। नींबू को बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, साल में केवल 2 बार ही नींबू पानी दे सकते, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कहीं जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है या बिल्कुल नहीं है जहाँ पे बारिश, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन नींबू में अमरूद की अपेक्षा बहुत कम पानी। जैसे ही फूल आए तो आपको उसमें पहला काम ये करना है, पानी बंद कर दीजिए, और कब तक पानी नहीं देना है, जब तक के उस पर फल का आकार चने के दाने के बराबर न हो, ये ध्यान, तो आपका पौधा स्वस्थ रहे। दूसरा क्या करना है आपको, इसमें एक प्लानोफिक्स आता है, आप ऑनलाइन खरीद लीजिए, देखिए कहीं भी, आज मैं भी देख रहा था, बहुत अच्छा है प्लानोफिक्स, एक लिक्विड आता है, तो प्लानोफिक्स में 0-52-34 एक NPK आता है जिसमें नाइट्रोजन 0% होती है और फास्फोरस जो है ना वो 52% होता है, 34% इसमें पोटास होता है, उन दोनों का मिलाकर आप मिश्रण बनाकर उनका स्प्रे कर, आपके फूल जैसे के तैसे रुक जाएंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी, कुछ नहीं, और पौधे पर भरपूर फल होंगे, और जब चने के दाने के बराबर बन जाए तब आप पानी देना शुरू। तो अगर आपके पौधे पर फूल आ रहे हैं तो तुरंत पहला काम ये करिए, पानी बंद करिए, प्लानोफिक्स का स्प्रे करिए उसमें, और 0-52-34 का आप NPK मिलाकर वो भी स्प्रे कर। अब ये आता है कि पौधे पर, सब आदमी सोचते हैं कि भाई ये जो है ना आप, मुझे गर्मी के चाहिए, भाई गर्मी में ही अगर सब नींबू लेने लगेंगे तो बरसात सर्दियों में कौन लेगा नींबू, है ना, सर्दियों में भी अचार बनता है। फिर भी मैं ये आज इस पर चर्चा करूँगा कि पौधे का सही उम्र क्या होनी चाहिए। ये पौधा मेरा 1.5 साल का, मेरे यहाँ करीब 13 महीने का पौधा हो गया, और जब मैं लाया था उसने बताया था जी 1 साल का पेड़ हो, तो ये 2.5 साल का,
कोशिश करिए नींबू के पौधे पर 3 से 4 साल तक फल न। मेरे पास 1-2 भी रोपा हुआ है, बाकी में नहीं है। मैं उनको तोड़ भी देता हूँ जो नींबू उसमें आते हैं। कारण ये है कि अगर आप फूल तोड़ दें तो पौधे की बढ़वार अच्छी होगी और पहले पौधे को फलने फूलने। अगर हम किसी बच्चे की उम्र से पहले जिस प्रकार शादी नहीं कर सकते, उसे पहले बढ़ने देते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, उसी तरह पौधे बढ़ सकते, तो आप पौधे को 3 से 4 साल तक नहीं। और अगर कोई फूल आ भी गया तो वो ज़्यादातर रुकते नहीं है, गिर जाएंगे। 1-2 नींबू भी लग जाता है। कभी आप जाएंगे नर्सरी में तो वो दिखाएगा, देखो जी मेरे इस पर नींबू लगे। वो 2 साल का पेड़ होगा उसके पास, कोई बात नहीं, लेकिन आप घर में लगाएंगे तो अगले साल नींबू नहीं आएगा या 1-2 आएगा। तो हर चीज़ उम्र के साथ ही अच्छी, ये ध्यान रखिए। तो जो बीज वाले पौधे होते हैं उनसे 4 साल बाद ही नींबू आता है। बुट्टी वाले से आप 1 साल के बाद ले लेते हैं। क्यों ले देते हैं 1 साल के बाद में? क्योंकि जितने साल का पौधा होता है तो उस पर बुट्टी बांधी गई है, तो उस बुट्टी की उम्र उतने साल की मानी जाती है। लेकिन अगर आप जल्दी उससे नींबू लेंगे तो आपका पौधा जल्दी नहीं बढ़ेगा, पौधे की बढ़वार पर फर्क पड़ेगा, नींबू के स्वास्थ्य पर फर्क पड़ेगा, नींबू बहुत अच्छे नहीं। इसी प्रकार कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर वो नहीं चाहते छोटे पौधे पर, जैसे मैं अगर इस पर ना चाहूँ अभी फल ना आए, तो मेरे को क्या करना है कि इस पर 15% यूरिया का स्प्रे करें। 15% यूरिया का स्प्रे करते ही सारे फूल गिर जाए और पौधे की जो फलों में उसकी एनर्जी जानी है वो पौधे की बढ़वा। ये था मेरा 6ठा और अंतिम पॉइंट। आइए अब बात करते हैं चलते चलते। मैं आज आपको 3 टिप्स दे रहा हूँ जिससे आप 75% पहली टिप है, ये नावेद भाई के सौजन्य से है जो उन्होंने उन्हें एक कृषि वैज्ञानिक ने बनाया। किसान भाइयों, हर महीने अपने नींबू के पौधे में 19-19 की ड्रेंचिंग करें और स्प्रे करें, आप देखें पौधा कितनी अच्छी। 19-19-19 का NPK बाजार में लेने जाएंगे आपको 120 रुपये से कम नहीं मिलेगा, 150 रुपये, 120 से लेकर 150 रुपये। अब मैं इसको आपको 34 से 40 रुपये में बताता हूँ कि किस प्रकार बनाएं। देखिए जो मैं बता रहा हूँ सामग्री, उसमें आपका 2 किलो NPK बनेगा। आपको लेना है 650 ग्राम यूरिया, 650 ग्राम यूरिया, 1 किलो DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसे हम साधारण रूप में डाई बोलते हैं, दानेदार होता है, और 750 ग्राम यानी 750 ग्राम लीजिए पोटाश, हो सके मुरेट और पोटाश जो है ना वो सफेद दानेदार। इतनी सामग्री लेकर ये 2 किलो से थोड़ा सा ज्यादा आपके पास 19-19 का मिश्रण बना। अब आप इन सबको मिलाकर आप एक इतनी इतनी मात्रा रखकर अलग अलग रख लीजिए, इसमें से आधी आधी मात्रा एक जगह मिला लीजिए तो आपको 1 किलो NPK। इसमें अब कैसा करना है, घुलनशील बनाना है, वो मैं आपको बताऊं। जो DAP है, जैसे मान लो सुबह को अगर आपको स्प्रे करना है तो DAP को रात को आप पानी में भिगोकर रख दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा घुलने में टाइम लगता है। तो जब आप इसको रात को रख देंगे सुबह तक ये पूर्ण रूप से घुल जाएगा। जब सुबह लाएंगे तो इसमें आप यूरिया की मात्रा और पोटाश की मात्रा मिला दीजिए, घोल लीजिए और इसको आप जो है ना अपना छिड़कने में या ड्रेंचिंग में काम। ये 34 रुपये का 1 किलो 68 रुपये से 70 रुपये तक बनेगा, जो कि आपको बाजार में 300 रुपये 250 रुपये से 300 तक लगेगा। ये अभी पहली बार बचत, मैं बार बार कहता हूँ एक काम में, तो आप इसे भी आए। दूसरा है स्टिकर का। किसान भाइयों, मैं एक दुकान पर बैठा हुआ था जो बीज की या दवाई की दुकान थी, मुझे एक स्प्रे का नोजल चाहिए था। तो वहाँ एक आदमी आया, उसने एक पत्ता दिखाया और कहने लगा कि जी मुझे इसकी दवाई दो। उसने पता नहीं उसको क्या दिया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, मैं बैठा रहा। फिर उसने उसे एक स्टिकर का पाउच दिया कि ये स्टिकर को मिला दो। वो स्टिकर 10 रुपये का पाउच था। तो मैं जी में सोचने लगा, मगर बताओ इसे ये नहीं कहा कि भाई 1 रुपये का शैम्पू का पाउच, तो 10 रुपये के बजाय 1 रुपये में काम था। स्टिकर क्या होता है आपको पता होगा, अगर हम किसी दवाई में जो फॉयलर यानी स्प्रे की दवाइयाँ होती है उन्हें जब हम छिड़कते हैं तो जितनी महीन फुहार होंगी उतना ही अच्छा स्प्रे होगा, तो वो जल्दी से कभी कभी जो है ना हम कहते हैं कि भाई ओस नहीं होनी चाहिए पत्तों पर, तो जैसे ही डालेंगे वो नीचे आ जाती है। तो स्टिकर मिलाने से वो चिपचिपाट आ जाती है और पत्ते के ऊपर बैठ जाती है, और जब पत्ते के ऊपर बैठ जाएगी तब वो पत्ते में अंदर पेनिट्रेट करेगी, अंदर घुसेगी और जो भी कीड़ा होगा उसको खाएगा और वो मर जाएगा।
ठीक है, या पौधों में वो सिंथेसिस का काम करेगी, पौधों में भोजन का काम करेगी अच्छी तरह से। तो आप बाजार से स्टिकर न खरीद कर, मैं दो तरीके बता रहा हूं। पहला तो ये है कि जो क्लिनिक प्लस का एक शैम्पू का पोच आता है एक रुपए का, एक टंकी में वो डाल लीजिए, उसे घोल लीजिए और फिर अपनी दवाई मिलाइए या खाद मिलाइए, तो ये आपकी 75% बचत है। दूसरा है जो भाई जैविक खेती करते हैं, तो आप थोड़ा एलोवेरा अपने खेत में कहीं जरूर लगाइए, कोई 15-20 प्लांट लगा कर रखिए। एलोवेरा की पत्ती तोड़िए, उसे कूट लीजिए, उसका रस निकालिए, वो रस मिलाइए, वो बहुत चिपचिपा होती है, उसे भी आप काम में ला सकते हैं। अगर कहीं आपके पास बेर के पेड़ हों या इस तरह के पेड़ हों, नीम के हों, जहाँ गोंद निकलता है, उस गोंद को भी आप काम में ला सकते हैं। तीसरा है, ये कृषि है, मतलब जो जिनका सहयोग है, ये है हमारे जो अध्यक्ष हैं हमारी सलाहकार समिति के, राजकुमार जैन। आप हमें नींबू पर बोरोन की बहुत जरूरत है और बोरोन बाजार में 300 रुपये किलो आता है। अब आपको इसे मैं 300 रुपये की बजाय कुल 80 रुपये किलो में बताता हूँ, वो कैसे। आप बोरोन मत खरीदिए। बोरोन क्या होता है, बोरक्स होता है, और बोरक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, सुहागा बोलते हैं, जिसे सोने के साथ रखें। किसी पंसारी की दुकान पर जाइए, आजकल तो बीज वाले भी रखने लगे हैं, 1 किलो उसे कहिए सुहागा दे दीजिए। सुहागा लाइए, 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसे डालिए, जितना भी पानी, मान लो आपको 100 लीटर पानी की आवश्यकता है छिड़क के, तो 400 ग्राम डालिए, लेकिन उसे गर्म पानी में घोल लीजिए। सुहागा गर्म पानी में घुलता है, जो बाजार से लाएंगे आप तो वो आपका ठंडे पानी में घुल जाता है, लेकिन आप देखिए 300 रुपये और 80 रुपये में कितना फर्क है। यहाँ आप 75% 70-75% की बचत। ये हुई है 3 बचत के नुस्खे। किसान भाइयों, अगली बार मैं ये बताऊंगा कि नींबू में जब आप गर्मी के फल लेंगे तो उसके फल लेने के लिए आप क्या क्या काम करें। निश्चित रूप से अगर समय ठीक रहा, बारिश न हुई, तो अगली बार फिर हाजिर होंगे कि नींबू की गर्मियों में नींबू की फसल किस प्रकार, इस पर चर्चा करेंगे, इसकी वीडियो लाएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी इस पर लिखिए, और हाँ, amazingkisan.com पर जाइए, अगर इसमें से कोई बात आपकी समझ में नहीं आई, वहाँ पर अमेजिंग किसान डेस्क में या नींबू की देखभाल के नाम से एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिए, उसको रख लीजिए अपने पास में और अपने पौधों की अच्छी तरह देखिए। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, अच्छी तरह मेहनत करके काम करिए, आप काम करेंगे देश का भला होगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।